हेलो दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले चैत्र की नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ व्रत की थाली। तो व्रत की थाली के लिए सबसे पहले मैं बनाऊंगी खीरे का तो खीरा रायता। का जो रायता बनाते हैं, तो कई लोग जो है कच्चा खीरा ही दही में डाल के बनाते हैं। वैसे सबका अपने अपना तरीका है बनाने का, लेकिन यहाँ पे मैं बनाऊंगी खीरा को। थोड़ा सा मैं पका लूँगी पहले, फिर मैं उसका रायता बनाऊंगी। इससे क्या होता है कि रायता जो है खाने में और ही स्वादिष्ट हो जाता है। तो अगर आप इस तरीके से खीरा का रायता बनाते हैं तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैं व्रत के लिए बना रही हूँ, तो इसमें मैंने सेंधा नमक डाला है। तो मैंने गैस ऑन कर लिया था और उस पर मैंने पैन चढ़ा दिया था, और पैन जो है गर्म हो गया। तब मैंने जो खीरा को पहले से धो के और कद्दूकस करके रखा था, तो उसे भी मैंने पैन में डाल दिया है, और सेंधा नमक मैंने इसमें डाला है। अगर आप इसे ऐसे घर पे खाने के लिए बनाते हैं नॉर्मली, तो उसमें आप जो भी नमक अपने किचन में यूज करते हैं वही नमक डालें। इसे मैं व्रत के लिए बना रही हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने सेंधा नमक इसमें डाला है। तो इसको हम कुछ देर तक पका लेंगे, जिससे कि इसका पानी सूख जाए अच्छे से, और तब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पे मैंने दही जो है पहले से ही फेंट के रखा है, और दही में अब हम डालेंगे। तो अब हम दही में डालेंगे सेंधा नमक, और नमक मैंने खीरा में भी डाला है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। और ये जो है हरी मिर्च, यहाँ पे दो मैंने हरी मिर्च बारीक काट लिया है और उसे मैंने दही में डाल दिया है, और ये सेंधा नमक। और अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा का पाउडर, तो इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे ये खीरा जो है, तो खीरा भी हम इसमें डाल देंगे, और इसे जो है हम मिला लेंगे। और ये देखिए रायता जो है, टेस्टी रायता बनके तैयार हो जाएगी, और ये जो है खाने में बहुत ही टेस्टी होती है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो। वैसे अपना सबका तरीका अलग अलग होता है, लेकिन एक बार आप इस तरीके से इसे ज़रूर बनाइएगा। और अब हम चलते हैं दूसरा चीज़ बनाने के लिए। तो यहाँ पे अब हम बनाएंगे धनिया पत्ता की चटनी। तो धनिया पत्ता की चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मिक्सर जार में धनिया पत्ता डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दिया है, और 2 चम्मच दही और सेंधा नमक डाल दिया है। तो सेंधा नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें नमक। और यहाँ पे अब हम इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पे हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि मैंने इसमें दही डाला है और इसे हम व्रत के लिए बना रहे हैं, तो लहसुन वगैरह तो डाल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता, हरी मिर्च, दही और सेंधा नमक डाल के धनिया पत्ता की हरी चटनी बना के तैयार कर लिया है। और अब हम बनाएंगे सब्जी आलू और मूंगफली की। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली को कढ़ाई को गर्म कर लिया है, और उसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया है, और ये मूंगफली को हम भून लेंगे। तो मूंगफली को पहले हम अच्छे से भून लेते हैं। तो ये देखिए मूंगफली जो है अच्छे से भुन गया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। और आलू को मैंने पहले से ही उबाल के रखा है, तो यहाँ पे हम आलू और मूंगफली का सब्जी बनाएंगे। मूंगफली जो है हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, तो इसे अगर आप व्रत में खाएंगे तो इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली को भून लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, और जीरा को हम चटकने देंगे, थोड़ा भुनने देंगे। और यहाँ पे ये हरी मिर्च, और अगर आप तीखा नहीं खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्च कम डालें या नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें हरी मिर्च डालेंगे तो ये थोड़ा चटपटा भी बनेगा। तो यहाँ पे हम हरी मिर्च को भी थोड़ा सा भून लेते हैं। और अब हम इसमें,
तो यहाँ पे मैंने आलू को पहले से ही उबाल के रखा था और इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़े में कर लिए हैं, जैसे कि आप सब्जी में डालते हैं आलू को, तो उसी तरीके से हमें आलू को काट लेना है उबाल के। और इसे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है कुछ देर तक, 3-4 मिनट तक हम इसको भून लेंगे, उसके बाद हम इसमें मूँगफली को डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले आलू को 3-4 मिनट तक भून लिया, फिर उसके बाद में यहाँ पे मैंने भुना हुआ मूंगफली जो था उससे भी मैंने आलू में डाल दिया है, और इसमें मैंने सेंधा नमक डाल दिया है, और इसको अब हम कुछ देर तक चलाते रहेंगे। और अब हम इसको कवर कर देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। तो ये देखिए, ये जो है व्रत वाली सब्जी तो बनके तैयार है। और अब हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे भुना हुआ जीरा का पाउडर। और ये व्रत वाली सब्जी जो है बनके तैयार है। तो अब हम चलते हैं दूसरे रेसिपी को बनाने के लिए। तो यहाँ पे अब हम बनाएंगे सिंघाड़े के आटे का हलवा। तो हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम मैंने इस बर्तन में एक कप जो है चीनी डाला है और 1 कप पानी डाला है। तो इसको हम चीनी को पिघलने तक ही पकाएंगे, ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना है, बस इस चीनी को पिघलाना है। और इसे हम रख लेते हैं साइड में, चीनी पिघल गया है। और अब हम क्या करेंगे, तो सिंघाड़े के आटे को अच्छे से पहले भुनेंगे, जैसे कि आप सूजी का हलवा बनाते हैं। और इसमें जो है घी थोड़ा ज़्यादा लगता है, सिंघाड़े का आटा का हलवा जब आप बनाते हैं तो इसमें घी थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे मैंने पैन में घी डाल दिया था, तो घी जो है अच्छे से पिघल गया। फिर यहाँ पे मैंने सिंघाड़े के आटा को डाल दिया है, और हम इसमें थोड़ा सा घी जो है हम इसमें बाद में भी डाले हैं यहाँ पे, अगर आपको ज़रूरत ना लगे तो आप बाद में इसमें ना डालें। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा कम लगा, जो पहले मैंने घी डाला था तो मुझे इसमें कम लगा, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी अभी ऐड कर दिया है। और इसको तो ये देखिए, इसका जो कलर जब सुनहरा हो जाए तब इसमें जो है चाशनी हम डालेंगे। तो ये देखिए, सिंघाड़े के आटा का जो कलर है वो चेंज हो गया है। और अब हम इसमें जो चाशनी बनाए थे वो इसमें डाल देंगे। तो मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी का चाशनी बनाया था। तो इसे हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसमें जो है गिल्टी ना पड़े, और इसे जो है हम ढक के कुछ देर तक पका लेंगे। तो ये देखिए, सिंघाड़े के आटे का हलवा जो है बनके तैयार है। तो यहाँ पे आप अपने मन पसंद के जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें, और थोड़ा सा इलायची, तो यहाँ पे मैंने बादाम और इलायची को डाला है। और ये जो है हलवा जो है बनके तैयार है। तो यहाँ पे मैंने व्रत की थाली के लिए, तो यहाँ पे मैंने व्रत में खाने के लिए 5 चीज़ें बनाई हैं व्रत की थाली के लिए। और यहाँ पे अब हम बनाएंगे लास्ट में पूरी, साबूदाने की पूरी। तो यहाँ पे जब भी आप साबूदाने की पूरी बनाएं तो इसी तरह का आप साबूदाना लें, जो उजला उजला रहता है और मीडियम साइज जिसका रहता है। एक इससे बड़ा साबूदाना भी आता है जिसका साइज इससे बड़ा रहता है, तो वो साबूदाना जो है अच्छा नहीं होता है पूरी के लिए। और एक छोटा भी आता है, तो छोटा वाला खीर के लिए अच्छा होता है, लेकिन पूरी के लिए ये मीडियम साइज वाला जो है उजला उजला वाला वही अच्छा होता है। तो आप इसका ही पूरी बनाएं। तो यहाँ पे मैंने पैन को गर्म कर लिया था, उसमें मैंने साबूदाना को डाल दिया है। तो इसको हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे, और उसके बाद इसको ठंडा करने के बाद साबूदाना को मैंने पीस लिया है। और इसे अब हम इस बर्तन में निकाल लेंगे,
तो ये देखिए अच्छे से एकदम ये महीन जो है इसे मैंने पीस लिया है साबूदाने को पूरी बनाने के लिए। तो अब हम इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं अजवाइन। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें आप आलू जो है ज़रूर डालें, बिना आलू की ये पूरी नहीं बनती है। तो यहाँ पे मैंने दो मीडियम साइज के आलू लिए थे, तो आलू को मैंने उबाल के और मैश करके पहले से ही रखा था। और इसे जो है अब हम मिला लेंगे और डो बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए डो जो है लगभग बनके तैयार है। तो थोड़ा सा अब हम इसमें तेल डाल के मिला लेंगे। और इसको मिला के हम 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसका पूरी बनाएंगे। तो इसे मैंने ढक दिया है और 10 मिनट के बाद अब हम पूरी बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डो जो बनाया था साबूदाने के आटे और आलू से, तो उसका अब हम पूरी बनाएंगे। तो इसको हमें आराम से बेलना पड़ेगा क्योंकि ये जो है थोड़ा फट जाता है, क्योंकि इसमें जो है हम पानी नहीं डाले हैं, आलू से ही हम इसको मिलाए हैं साबूदाने के आटे को। और इसको हम इस तरीके से काट लिए हैं गोल गोल। अगर आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, और नहीं तो आप इसे कप या कटोरी की मदद से इसे गोल गोल काट लें। और इसे जो है हम बारी बारी करके इसका हम पूरी बना के तैयार कर लेंगे। और इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही बनाएंगे, हाई फ्लेम पे नहीं बनाएंगे। तो इसे हम उलट पुलट के पूरी बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए साबूदाने की पूरी जो है बनके तैयार है। तो अब हम थाली सजाते हैं, व्रत की थाली। तो यहाँ पे मैंने बनाया है खीरा का रायता और सिंघाड़े के आटे का हलवा और आलू और मूंगफली की सब्जी, धनिया पात की पत्ता की चटनी और ये जो है साबूदाने की पूरी। तो यहाँ पे मैंने थाली तैयार कर लिया है। तो आप सभी को मेरी तरफ से चैत्र की नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।